Hey guys, welcome back to my channel, mompy.rahul. तो अभी बज रहा है रात का 2 और अभी हम पहुंचे. मायरा को कुछ खिला के सुलाए. मायरा कुछ खाई तो नहीं, बहुत रो रही थी. तो हम बोले कि अभी इतना हैरेस्ट करके आए हैं, उसके तो रुलाना उसको ठीक नहीं होगा, तो उसको सुला दिए हम. बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं. मायरा उठ जाएगी. कल के दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है और मेरे ये आँख देख लो लाल हो गया, पता नहीं क्यों बहुत इचिंग हो रहा था. तो हम ऐसे ऐसे करके पूरा नोचने लगे तो रेड हो गया मेरे ये आँख. बहुत गर्मी है और व्लॉग बना रहे तो पंखा बंद करना पड़ा हमको अभी. तो आज के दिन क्यों स्पेशल है वो बता रहा है, क्योंकि आज के दिन है टीचर डे. तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर डे. और आज तो बहुत लेट हो गया, अभी 2:30 या 3 बज रहा होगा. तो हम प्लानिंग किए है कि मम्मी को बोले कि हमको कल 7 बजे उठा दीजिएगा, रेडी होते हो तो 8 बज जाएगा. फिर हम थोड़ा सा मेरा टीचर लोगों के साथ मिलने जाएंगे. तो स्कूल, मेरा स्कूल भी आप लोगों को दिखाएंगे ये व्लॉग में. आई होप आप लोग एक्साइटेड हो. आप लोग मेरे बारे में हर चीज़ जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो. हमको लगता है कि आप लोग भी एक्साइटेड हो मेरी तरह. हम तो इसलिए एक्साइटेड है ना कि स्कूल जाएंगे बहुत दिन बाद. मतलब बहुत दिन बोलते हैं, 7 साल बाद हम स्कूल जाएंगे. मेरा स्कूल 7 साल पहले हम छोड़े थे. तो वो स्कूल लाइफ जो था ना, बहुत मिस करते हैं. मतलब जो लोग स्कूल लाइफ से गुजरे हैं उन लोगों को ही पता होगा. सारा दोस्त को मिस करते हैं बहुत. लेकिन मेरा दोस्त अगर व्लॉग देखता है तो गाली दे रहा होगा हमको, क्योंकि हम एक दिन भी मेरा दोस्त लोगों को फ़ोन नहीं करते हैं. करते थे जब मेरे पास टाइम रहता था, वीडियो कम बनाते थे. जब वीडियो वगैरह बनाते थे तब टाइम रहता था, करते थे. लेकिन अभी हम इतना बिजी हो गए, यूट्यूब का वीडियो बनाना, एडिट करना, मायरा को संभालना. ऐसे तो मायरा को घर में सब संभालते हैं, जैसे कि मम्मी पापा शेखर आर्यन. मतलब मेरा काम बस मायरा को खिलाना होता है. फिर भी वही चीज़ सबसे टफ हमको लगता है, मायरा को खिलाना ही लगता है सबसे टफ काम जो कि हमको करना पड़ता है. घर का टुक टाक काम करना ही पड़ता है, घर का काम. तो इतना बिजी हो जाता है कि फुर्सत नहीं मिलता कि दोस्त लोगों के साथ बात करे फ़ोन करके. और दोस्त लोग ये नहीं समझता है, जब भी बात होता है ना तो वो लोग बोलता है हाँ तुम तो बहुत आगे बढ़ गए हो, याद नहीं करते. ऐसा कोई नहीं, कुछ को ऐसा कोई बात नहीं. हम मेरा सब दोस्त को मिस करते हैं, हमेशा मिस करते हैं. मन करता है बात करने का, जब देखते सब चील करता है. जब रोड से जाते देखते सब चील करता है अपने दोस्त लोगों के साथ, तो बहुत मन करता है हाँ हम भी, काश टाइम मिलता हमको. तो टाइम का इशू रहता है मेरा, और पूरा पसीना से एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है. तो अभी पंखा चलाना पड़ेगा नहीं तो मेरा बेटी उठ जाएगी. तो आप लोग इस व्लॉग को कंटिन्यू देखना. कल सुबह होगा 7 बजे उठेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को. स्कूल भी जाना है. आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट में बताना, ठीक है? और लास्ट तक पूरा देखना. मेरा सारा मैम मेरा फेवरेट टीचर के साथ मिलाएंगे और मेरा स्कूल दिखाएंगे, मेरा बचपन जहाँ पे बीता है आधा वो भी दिखाएंगे. तो व्लॉग पे बने रहना और फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर डे. चलो सुबह मिलते हैं. मंगलवार कल ओ बाबा आज के 3 बार मार लो, ठीक है? के दुबार मेरेছে, ঠিক আছে? হেভি জোর জোর আমি কিছু বললাম না, 3 বারে মাথা ও কেন মারলো? কাটতে কাটতে মাথাটা এরকম এখানে ঠুকি দিয়েছে. জোর মেরে দেবে না, খাওয়া আছে আর কলা যাবে তো মায়েরাকে ডাক্তার দেখাতে? বাবা তোর মেয়ে খিমচে দিয়ে যা, ডাক্তার খিমচে দিয়েছে. আরে ও হাত বুলাচ্ছে, খেয়েছে তো? দেখো পেটা কেমন করে, পেটা দেবো একটা চড়. তো আবি মেরা সুবহ, গুড মর্নিং. আবি বাজ রহা হ্যায় 1:00 বাজে তো, ডেড়টা আবি ডেড় বাজ রহা হ্যায় আর মেরা গুড মর্নিং. আপ লোগ কা আফটারনুন হ্যায়, মেরা গুড মর্নিং, ক্যুকি আবি হাম সোকে উঠে হ্যায়. রাত ভর সোই নেই, 6 বাজে তক জগে থে. ও বাহ, মেরা পাপা গওয়া হ্যায়, মেরা পাপা কো পুছেঙ্গে. আমি রাত্রে সুই নি তো না, পুরো জেগে ছিলাম. বাবা তখন ওটা জিজ্ঞেস করো, ফোন দেখছি না, দেখে ফোন দেখছি. এ কিউ সোই নেই, ইসকা রিজন বতাতে হ্যায়. ये मेरा बगल में सोया था, मतलब मायरा, फिर बिट्टू, फिर हम इधर. मतलब मायरा बीच में सोई थी. ये क्या कर रही है, हाथ ऐसे फेंक रही है. हमको लग रहा है कि मायरा को लग जाएगा, लग जाएगा.
हम इसका हाथ पकड़ के ऐसे एक बार उठा के रख रहे, एक बार बुला रहे, ए भाई नीचे जाना सोने, नीचे जाना मारे को लग जाएगा। ये सुनता ही नहीं है, मतलब इतना सो गया ही। फिर हम बोले कि छोड़ो हम जगे रहे, सुबह उठना है, टीचर डे था, स्कूल जाना है। और मेरा सब कुछ जो प्लानिंग था वो हो गया फ्लॉप, हम सोए रह गए और मेरा कैंसिल हो गया स्कूल जाना। पर हमको इतना रोना आ रहा है ना, हम क्या बताएं। कोई बात नहीं, हम सोच रहे कल चल जाएंगे, क्योंकि आज ऐसे भी सब बोल रहे थे कि आज शायद स्कूल बंद हो सकता है, कल खुल सकता है, टीचर डे कल बन सकता है स्कूल में, क्योंकि हम सुन रहे थे सुबह उठ के। मेरा मूड हो गया ऑफ, क्योंकि मेरा जो स्कूल है ना, अभी वहाँ पे एग्जाम चल रहा है, ठीक है। ओटा प्रसाद, ओटा प्रसाद আমার যা দিছে সব নিয়ে নিই বলো। ওই যে গোলাটা ওটা ওইটা শুধু আকারে শুনছিল ভালো ছিল। এ বাবু ওটা তো তুই প্লেনে যখন যাবি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবি। ট্রাভেল পিল্লো যো হয় না, ও ফ্লাইট মে গয়ে থে উনা। তোমার হাতে কি এইটা? ওইটা আমার এ আছে, এটিএম কার্ডের ব্যাগ। मेरे पापा को मेरा हेडफोन पसंद आया, मेरी मम्मी को मेरा नेक पिल्लो ट्रैवल पिल्लो पसंद आया, जो कि मम्मी लेने वाली है ना। पापा क्या बोले बंगाली में हम आपको बता देते। पापा बोले इसको लात मार के निकालो, मतलब हमको। तो चलो अभी खाने वाले हैं, मम्मी मेरे लिए, मम्मी मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया है। तो हम सबके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे वहाँ से, सबके लिए लाए थे, ठीक है। अरे चुप करो, तो हम दिखा देते हैं। कुछ कुछ गिफ्ट मेरे ट्रॉली में है, जो कि मम्मी निकाल नहीं पाए, जो कि मम्मा का गिफ्ट भी उधर ही है। ट्रॉली खोलेंगे तब हम निकालेंगे, ठीक है, सबका गिफ्ट। मतलब कुछ कुछ गिफ्ट है, क्या क्या है हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले ये वाला दिया, जो कि हम मम्मी के लिए लिए है और मेरी मम्मी के लिए लिए है। और ये दिया हमको इतना अच्छा लगा। और एक है दूसरा टाइप का दिया है, वो भी अच्छा था, वो भी डिजाइन अच्छा है। ये भी दिया हमको अच्छा लगा, तो हम सेम ना दो दिया ले लिए, एक मेरे घर के लिए, एक मम्मी के लिए। तो ये दिया कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मम्मी को देते हैं, देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है। कैसा लगा आपको दिया? बांग्ला बांग्ला बोलो। अच्छा ना, ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে। ও দিয়ে মানে আমার বড় মেয়ে দিল এটা, আর আমার ছোট মেয়ে পুরি গেছিল দিয়েছিল শাক। ওই শাকটাও আমার খুব ভালো, আর এটা দুটোই মনে থাকবে যতদিন বাঁচবো আমি। তারপরে নেবে আমার ছেলের বউ। ভাই তুই একটা পূজারি বউ আনিস, মানে এগুলো সব নষ্ট হবে, বহুত মার মারে। তো নেক্সট হাম লিয়ে হ্যাঁ ইয়ে বালা প্যার কা জো হ্যাঁ, ये पैर वाला एंकलेट अब हमको दिखाई थे। ये एंकलेट दो ले लिया हम किसी को गिफ्ट करने के लिए। किसको गिफ्ट करेंगे अभी तक आइडिया नहीं है मेरे पास। तो किसी को गिफ्ट करने के लिए हम ये एंकलेट लिए है। मेरा दोस्त लोग है, उन लोगों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एंकलेट ले लिया। और ये जो एंकलेट है ये हमको इतना पसंद आया था, ये हमको स्टोर से लिए है। हमको नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये एंकलेट ठीक ऐसे दिखता है। ये इसका प्राइस थोड़ा सा हमको ज्यादा पड़ गया, ये हमको 150 का पड़ा। और ये सब एंकलेट हाँ ये सब ऐसे ही प्राइस में मिला हमको, 150 में ही मिला। नीचे टान, नीचे टा बढ़िया। उसके बाद लिए है की कुछ चीज मम्मम को अभी पड़ा है मार, क्योंकि मम्मम बदमाशी कर रही थी। मेरा जो ये बहन है जितना सीधा दिखती उतना सीधा है नहीं, ठीक है, बहुत हरामी टाइप का है ये। तो नेक्स्ट ये भी पैर का ही एंकलेट है, ये ठीक ऐसे टाइप का है, ये हमको बहुत अच्छा लगा था। सब एंगलेट का प्राइस सेम ही है, इसमें अलग अलग व्हाइट है, येलो है, पिंक है, ठीक है। तो ये ले लिए। उसके बाद सेकंड भी यही लिए हम, ये भी किसी को गिफ्ट करने के लिए सोच के हम लिए है। इसमें सारा पिंक है, जो कि पिंक लवर है उसी को चुन चुन के हम गिफ्ट करने वाले हैं इसको। और ये भी एक एंगलेट है, इसको हम दिखाते हैं आपको निकाल के।
চুপ করতে আর বেশি করে। তো এই অ্যাঙ্গেলের না ব্ল্যাক মতলব বগল বগল মে ব্ল্যাক স্টোন হ্যায় আর বীচ মে হোয়াইট স্টোন হ্যায়। বহুত আচ্ছা লাগা। ये भी हम एक दो लिए खुद के लिए रखेंगे और एक किसी को गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट पर्पस से लिए। और ये हमको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का पड़ा। ये भी हम कोई शॉप से लिए थे, कोई मॉल से, मॉल से नहीं, छोटा सा शॉप था उसमें बहुत प्यारा प्यारा सामान था मुंबई में, वहाँ उस स्टोर से लिए थे। तो इसका प्राइस है 220 रुपीज। तो ये हाथ का ब्रेसलेट है, ये हम खोलना नहीं चाह रहे। कुछ ऐसे मतलब सिल्वर कलर में है, एक ब्लैक फ्लावर बना हुआ है और एक व्हाइट मोती है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक ऐसे मतलब हाथ का। उसके बाद एक ब्रेसलेट लिए जो कि ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट है, जो कि अब मेरा कोई ब्लू कलर का आउटफिट के साथ अच्छा जाएगा। और इसका प्राइस है 320 रुपीज। हमको ये बहुत अच्छा लगा। इसके नीचे एक की टाइप का भी बना हुआ है जिसके बगल में ना स्टोन से वर्क किया हुआ है, हमको ये बहुत अच्छा लगा। स्टोन में देख के पसंद आ गया था। तो वैदुदी भी ऐसे ही ली थी, लेकिन वैदुदी का पिंक कलर, वैदुदी दिखाई थी वैसे, वैदुदी का चॉइस बहुत अच्छा, वो जो देखती है ना अच्छा लग जाता है, हमको भी अच्छा लगता है। वो एक वो जो हम कल एयरपोर्ट में पहने थे ना ब्लैक कलर का, उसका भी ऑरेंज कलर मेरे पास है जो कि वैदुदी हमको दिखाई, उसको भी पसंद आया था, वो भी एक ली, हमको भी पसंद आ गया, हम भी ले लिए। उसके बाद एक मंगलसूत्र, ये भी हम गिफ्ट पर्पज से लाए हैं। और एक हम जो कि पहने हैं सेम है, ये हमको इतना अच्छा लगा कि हम मेन ले लिए। ये भी हमको 150 का पड़ा और ये हम एक तो गिफ्ट पर्पज के लिए लाए, तो ये मेरा बहन के लिए लाए। देख खुले भालो মারাঠি স্টাইল খুব ভালো, মানে ওখানকার उसके बाद ये भी सेम मंगलसूत्र है, ये हम मेरा मछली ननद के लिए लाए हैं और एक मेरा बहन के लिए लाए हैं जो हम पहने हैं। बहुत प्यारा, क्योंकि मेरे मछली ननद ना ऐसे आर्टिफिशियल मंगलसूत्र पहनते हैं, मतलब अच्छा है ना, ये सब छोटे छोटे चीज जो कि पहनते हैं उसको गिफ्ट करने में मजा आता है, जो कि पहनेंगे है ना उसको देखे मजा नहीं आता, कि जो नहीं पहनेंगे उसको देखे मजा नहीं आता। उसके बाद एक नेक पीस लिए है, हम इसको खोल के दिखाते, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हमको पड़ा 100 रुपीज और इतना प्यारा एक नेक पीस हमको मिला, हम तो एकदम फीदा हो गए इसके ऊपर। 100 रुपीज में ये बहुत मतलब अच्छा है प्राइस में। 2 लेयर का है, एक में तो वो नजर धागा बना हुआ है उस डिजाइन का और एक में हार्ट बना हुआ है, बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। तो हम ले लिए, हम कल फिर से शायद शायद कल मिनी शो जाने वाले हैं हम कल, क्योंकि हमको कुछ स्टोरेज बॉक्स लेना है और स्टोरेज बॉक्स ना हमको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन मिनी शो का जो क्वालिटी है प्राइस है दोनों हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये भी एक चेन है, ये भी हम आपको खुल के दिखाते, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा है, ये भी 2 लेयर का है, इसमें व्हाइट फ्लावर बना हुआ है। जो पैर का एंकलेट दिखाया था ना, ये उसी टाइप का है, ठीक है, इस उसी का लॉक चेन है। तो ये हमको 95 रुपीज में पड़ा था, मतलब हम इतना हैप्पी हो गए। मैं एक बार, ये भी 2 लेयर का है, 95 रुपीज में, बहुत अच्छा बजट में मिला। देख ये ना कुछ ऐसे लगेगा फ्लावर वगैरह, अच्छा अब समझ में आ रहा है ना। तो मेरे भाई को पूछे, आप लोग बोलो ना, हम लोग कैसे बताए आपको, क्या सुनाई देगा। हमें जाच्छी, तुम्हें चांदा करो, मेरे पापा आते हैं बस हमको बुलाएंगे, खाना खाने आओ, खाना खाने आओ। तो ये चेन है, उसके बाद वो जो हम मेरा पहले चेन दिखाया ना, ये ऐसे एक एंकलेट है, देखो सेम डिजाइन का एक एंकलेट है, जो कि सबसे पहले चेन दिखाया ना नेक पीस, उसका ही एंकलेट है, मतलब उसको जब वेयर करेंगे ना तब इसको पैर में वेयर करेंगे, ठीक है। और एक ये ले लिए, ये हम अपने लिए लिए ना, कम एक बार ट्राई किए थे, नहीं ये वैदुदी अपने लिए ली थी, तो वैदुदी बोले कि ये बज रहा है, शायद उनको ये पसंद था बहुत, लेकिन बज रहा है, बोले हम इतना बजेगा तो हम नहीं पहन पाएंगे, तो वैदुदी ये हमको दे दी। तो हम सोचे कि ये हम पहनेंगे और ये जो 2 लिए ना, ये हम गिफ्ट पर्पज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे भी बहुत फैम में मतलब यूट्यूब फैमिली मेंबर से मिल जाते हैं, थोड़े उन लोगों को भी हम गिफ्ट करना पसंद करते हैं, तो ये सब उस काम में लग जाएगा। तो ये तो मेरे लिए, हम पहनेंगे इसको, ठीक है। बाद उसके बाद सब कुछ तो हो गया, उसके बाद ये दो
की चेन लिए है बाबू ने कि एक गाड़ी में एक स्कूटी में लगा हल्क ना ना जाए बाबू स्कूटी ते जेटा जानी ना इटा की आयरन मैन तो ये आयरन मैन एक हाल लिए है और एक लेते हैं जो कि गिफ्ट पर्पस से लिए थे बाबू अपने दोस्त को वो दे दिए है और ब्लैक पैंथर और एक वैदू दी हमको गिफ्ट किए थे वो यूनिकॉर्न वाला ठीक है और बताओ एक वैदू दी हमको गिफ्ट की थी मेरा मम्मी वीडियो तो मम्मी हमको वीडियो ही बना दे रही है और एक हमको वैदू दी गिफ्ट की थी जो कि हम मेरा नीचे ट्रॉली में रखे हुए हैं उसको जब हम मेक करेंगे तब हम लोगों को दिखाएंगे ठीक है। और कुछ कुछ गिफ्ट हम लाए जैसे कि मायरा के लिए एक चूड़ी लाए हैं मामा के लिए भी चूड़ी लाए हैं और मेरी बड़ी वाली ननद के लिए ही भी चूड़ी लाए हैं सिंपल वो ना बहुत सिंपल टाइप का रहना पसंद करती है सिंपल ही उतना मेकअप वगैरह नहीं करती है तो उसके लिए ना हमको एक चूड़ी दिखा जो कि मल्टी कलर में था कम था और सब साड़ी के साथ चलता तो उसको उसका थीम हम सोच के उसके लिए चूड़ी लिए है और बस और मेरी मम्मी को देखिए कैसा लगे गाइस कैसा लगा देखा 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 कैसा लगा गाइस अच्छा लगा ना कमेंट्स करना कमेंट्स यार सब्सक्राइब करेगा भूलेगा नहीं देखा मेरी मम्मी का स्टाइल देख रहे हो आप लोग देख रहे हो स्टाइल मम्मी के साथ एक डील हुआ मम्मी हमको बिट्टू को देखो मम्मी हमको मम्मी के साथ डील हुआ मम्मी के साथ ये डील हुआ मम्मी के साथ ये डील हुआ कि छाड़ो तो उधर को था कि मम्मी बोली हमको अगर तुम लोग कहीं जाओगे तो हमको लेके जाना हम मायरा को संभालेंगे तुम अपना वीडियो बनाना अब दो पहन ली आयो अच्छा लगा ना मुझको तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं जो जो हम सबके लिए गिफ्ट पर्पस के लिए लाए खुद के लिए जो लाए सब दिखा दी आज कल आज या कल जाएंगे मिनी शो कोई स्टोरेज बॉक्स लेने के लिए ओमा अरे स्टार्ट दिया जी तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और कुछ लाए हैं सबके लिए अगर वो ट्रॉली खोलेंगे अगर दे देंगे तो नहीं दिखा पाएंगे अगर नहीं देंगे तो हम आप लोगों को दिखा देंगे कि हम क्या क्या लिए हैं ज्यादा कुछ नहीं है बस मामा के लिए चूड़ी है मेरी बड़ी वाली ननद के लिए चूड़ी है बस वही सब है और कुछ नहीं है और हाँ मेरी छोटी वाली ननद के लिए एक जीन्स लिए है एक टॉप लिए है और एक वैदू दी गिफ्ट की मेरी छोटी वाली ननद को एक पर्स गिफ्ट की जो कि बोली कि दे देने उसके लिए प्रिया के लिए तो जो टॉप और जीन्स है वो तो हम वहाँ पे जाके भी बिहार में दिखा सकते तो वो अभी नहीं दिखाएंगे लेकिन अभी अगर मम्मम का चूड़ी अगर हम निकाल लेंगे तब दिखाएंगे नहीं तो वो भी नहीं दिखा पाएंगे लेकिन चूड़ी बहुत कलरफुल है अच्छा लग रहा है तो चलो बहुत गर्मी लग रहा है क्योंकि है पंखा तो चलो आज के लिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ और ऐसे मम्मी की तरह अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दो ठीक है बाय बाय।